राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से शिक्षा शुल्क में 20% की वृद्धि करके चौंकाने वाला फैसला लिया है। इससे छात्रों को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। यह आदेश दिया गया है कि कॉलेज प्रवेश छात्रों से यह अतिरिक्त शुल्क वसूल के। दिलचस्प बात यह है कि यह सवाल उठाया जा रहा है कि विश्वविद्यालय ने किस अधिकार के तहत शुल्क बढ़ाया, जबकि उनके पास 900 करोड़ रुपए जमा है। विश्वविद्यालय का यह फैसला तब आया है जब पारंपरिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए 20% की प्रत्यक्ष वृद्धि और शैक्षणिक सत्र 2023-24 के फीस में 1 और 7% की वृद्धि होगी। विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश दिया गया है वे फिर से छात्रों से 20% अतिरिक्त शुल्क वसूले। अब सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञान एवं गृह विज्ञान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 18,547 रुपये ट्यूशन फी और 12,365 रुपये प्रयोगशाला शुल्क देना होगा। इस निजी कॉलेज में BA LLB अब 41,261 रुपये ट्यूशन फीस देनी होगी। इस प्रकार MA मास कम्युनिकेशन के लिए अब 19,260 रुपये ट्यूशन फी और 1,649 रुपये लाइब्रेरी फीस देनी होगी। गौरतलब है कि ये सिर्फ शिक्षा शुल्क और लाइब्रेरी फीस है। छात्रों को एडमिशन लेते वक्त एडमिशन फीस, लाइब्रेरी फी, कॉलेज स्पेशल फी, जिम फी और कई तरह की फीस देनी होती है। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।